नमस्कार, पुल की टॉप स्टोरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो महाभारत के सबसे महान पात्र कर्ण के बारे में। कर्ण का जन्म एक सामान्य इंसानी जन्म नहीं था। जैसे ही उनका जन्म सामान्य इंसानी नहीं था, वैसे ही उनका जीवन भी बिल्कुल सामान्य नहीं था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के लालन पालन का भार भीष्म के ऊपर था। तीनों पुत्र बड़े होने पर विद्या अध्ययन के लिए भेजे गए। धृतराष्ट्र बल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म और नीति में निपुण हुआ। युवा होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण राज्य के उत्तराधिकारी न बन सके। विदुर दासी पुत्र थे, इसीलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है, तो उसने स्वयं अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा सूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई, तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आते जाते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आए, कुंती ने उनकी भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी, वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके वहाँ से चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहाँ प्रकट होकर बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती के इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कही। समय आने पर उसके गर्भ में कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूसा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुँचा जहाँ पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय गुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निशांत किया। कर्ण को उसके गुरु परशुराम और पृथ्वी माता से श्राप मिला था। कर्ण की शिक्षा अपने अंतिम चरण पर थी। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जगह पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसकी दूसरी जगह पर काट कर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो, इसलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर में गुरुजी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांग से बहुत रक्त बह रहा है। उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह बिच्छू डंक को सह ले, न कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम जी ने उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनकी दी हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उस दिन वह उसके काम नहीं आएगी।
कर्ण, जो कि स्वयं ये नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, ने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता वो भी यही करता। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर उन्हें गलानी हुई, पर वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे ये आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिसे वह सर्वाधिक चाहता है, अमिट प्रसिद्धि। कुछ लोक कथाओं में ये माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्र थे, जो उसके वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के बाद कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझ लिया और उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही एक दिन वह भी मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो हस्तिनापुर का राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिससे वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य हो जाए। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह उसके बदले क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल ये चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद महाभारत के कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच मित्रता, कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतिद्वंद्वी और पांडु तथा कर्ण के बीच वैमनस्य। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। यद्यपि वह बाद में दुर्योधन को खुश करने के लिए दूत क्रीड़ा में भागीदारी करता है, लेकिन वह आरंभ से ही इसके विरुद्ध था। कर्ण शकुनी को पसंद नहीं करता था और सदा दुर्योधन को ही यह परामर्श देता कि वह अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बाहुबल का प्रयोग करे, न कि कुटिल चालों का। जब लक्षाग्रह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल ही होती हैं, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा प्राप्त करे। चित्रांगद की राजकुमारी से विवाह करने में भी कर्ण ने दुर्योधन की सहायता की थी। अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया और तब दुर्योधन उसे बलपूर्वक उठा कर ले गया। तब वहाँ उपस्थित अन्य राजाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन कर्ण ने अकेले ही उन सबको परास्त कर दिया। परास्त राजाओं में जरासंध, शिशुपाल, दंतवक, सालव और रुक्मी इत्यादि थे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे पहले कर्ण ने उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीर कर दो टुकड़ों में